सीखेंगे जीको शोकाई का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आरू भाई तो के लिए बात करें तो आरू भाई तो मैं आपको अपनी तीन चीज़ें बताना मेन है, अपना नाम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद अपना टेन्योर यानी कि ड्यूरेशन, आप जापान में कब से कब तक पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई करने वाली जो आरू भाई तो होती हैं वो आपको ये भी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जापनीज़ लैंग्वेज का यानी JLPT का कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा लेवल क्लियर्ड है। तो इसको एक बहुत ही सिंपल से, एक बहुत ही शॉर्ट से जिको शोकाई में मैं आपको करके बताता हूँ। वातेशिनो नमाए वा नानी नानी देश, यानी मेरा नाम ये है। वाताशिवा निहोंगो नोरियोकुश केन्नो नांक्यू वो गोकाक्ष तेमास, यानी मैंने निहोंगो नोरियोकुश केन JLPT के नांक्यू यानी कि इस लेवल को गोकाक्ष तेमास यानी कि क्लियर किया हुआ है। इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि जैसे अगर आरू भाई तो किसी रेस्टोरेंट में है या फिर किसी बुक शॉप पे है या फिर किसी क्लोदिंग्स शॉप पर है, तो आप ये बता सकते हैं कि माई कारा कोनो योना मिसे दे हतारा किता का तानो दे ओ बो सस्ते ही तदा की माश्ता, यानी कि पहले से ही मैं इस तरह की ही जॉब करना चाहता था, सो आई वॉन्ट टू अप्लाई हेयर। इसके साथ और भी छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो कि जापनीज से आप देखिए, ग्रीटिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि योर्शको नेगाशिमास, अरिगातो गोज़ाइमास, इराशाइमासे, मोइचिदो किते कुदासाई, माताओ कोशी कुदासाईमासे, इस तरह के जो ग्रीटिंग्स हैं वो आपको आरू भाई तो से ही सीखने को मिलते हैं। अगर आप एक सेंटेंस को कई बार रिपीट करते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार, तो उस सेंटेंस में आप एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। यही चीज़ मैंने अपनी स्पीड ट्रेनिंग बुक्स में भी सिखाया है, बेसिक लेवल में भी सिखाया है, एडवांस लेवल में भी सिखाया है, कोई से भी लेवल की आपको जापनीज़ को अगर परफेक्ट करना है तो उसके लिए उस सेंटेंस की रिपीटेशन ही ज़रूरी होती है। तो ये आपको जापनीज़ लैंग्वेज भी सिखाती है, पैसे भी कमाने का अपॉर्चुनिटी होती है और सेविंग करके घर ले जाने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब कुल मिला के आपको एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए आरू भाई तो जो है वो बहुत बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं कि आरू भाई तो मिलती कैसे है। देखिए, आरू भाई तो मिलना इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना स्टूडेंट सोचते हैं, जितना स्टूडेंट समझते हैं। बात होती है कि पहली बात तो आपके पास स्टडी वीज़ा हो, 1 साल का स्टडी वीज़ा, 1.5 साल का या 2 साल का, तो आपको आरू भाई तो वैसे ही मिल जाती है। बड़ी सारी साइट्स हैं उनके ऊपर आप ओबो करते हैं, ओबो का मतलब होता है अप्लाई करते हैं, तो आपको अपने आप ही उनसे कॉल्स आते हैं, अपने आप ही मेल्स आते हैं, अपने आप ही मैसेजेस आते हैं। आपके उस एप्लीकेशन पर भी आप कर सकते हैं जो जॉब पोर्टल होते हैं, या फिर लाइन आईडी, फेसबुक, पर्सनल मेल, इन सब से वो आपको खुद ही कम्युनिकेट करके बताते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की जॉब है, इतना GQ है, आपके इनिशियल्स लेके वो आपको अपने आप ही फ़िल्टर करके आरू भाई तो के लिए खुद ही रिकमेंड करते हैं। वो ये भी पता लगा लेते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके जैसे हॉस्टल की लोकेशन है तो उसके पास आपको आरू भाई तो मिलेगी, उसके पास वाली जो शॉप्स हैं वो आपको रिकमेंड करेंगी ताकि आपको कंफर्टेबल लगे, आप जल्दी से वो आरू भाई तो छोड़े ना। तो इसके बाद फिर अगर आपने 2 महीने 3 महीने आरू भाई तो करी है यानी पार्ट टाइम जॉब करी है, तो उसके बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। यहाँ पे सिस्टम बहुत ही स्मूथ रहता है, जापनीज़ लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो आपको अलग अलग चीज़ें बताते हैं, अलग अलग तरह से गाइड करते हैं। और उसके बाद आपको परमानेंट जॉब करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आरू भाई तो ही आपको जापनीज़ वर्क कल्चर सिखा देती है जो कि आपको आगे जाके परमानेंट जॉब में हेल्प करता है, और उस परमानेंट जॉब से बहुत अच्छी जॉब लेने में भी हेल्प करता है। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड मिनातो, और ये हम स्टेशन के सामने हैं। ये जो शॉप है ये ताकोयाकी शॉप है। ताकोयाकी एक बहुत ही स्पेशल डिश होती है ओसाका की। अगर आप किसी को भी ताकोयाकी बोलेंगे तो वो कहेगा ओसाका दिस ने, क्योंकि ये स्पेशल डिश होती है ओसाका की। इसी के साथ साथ आपको मैं ओकोनोमियाकी, ये दो नाम अगर आप याद रख लेंगे, ताकोयाकी और ओकोनोमियाकी, तो ये आप किसी को भी बता सकते हैं कि मैं ओसाका में ही रह के आया हूँ, ओसाका की ये फेमस डिशेस मैंने खाई हैं। और इसके साथ साथ आज हम ये भी देखेंगे कि आरू भाई तो में जैसे तेनिन किसको कहते हैं, किस तरह की शॉप्स होती हैं, किस तरह से आपको काम मिलता है जापान में। आज हम इसके साथ पैसे की भी कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी बहुत सिखाऊंगा कि आप अपनी सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, और सेविंग के साथ साथ एडमिशन फ़ीस के लिए भी जापान में आप किस तरह से एडमिशन फ़ीस को भी सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि जापान में पार्ट टाइम जॉब्स
मैं काम किस किस तरह का होता है, शॉप्स वगैरह या जो जॉब्स पे हायर करते हैं उनकी जगहों की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इनमें वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे तेनिन, रेजी, जीक्यू, तेंचो, कोत्सुही, शिगोतो नो नाइयो। और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम सेविंग्स कर सकते हैं, और सेविंग करते करते आप अगर पार्ट पेमेंट पर हैं तो एडमिशन फीस पे कर सकते हैं, या फिर अगर पार्ट पेमेंट नहीं है तो किस तरह से सेविंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आरुबाई तो करते समय, पार्ट टाइम जॉब करते समय आपको ये समझना चाहिए कि जापान जो है एक काफ़ी एक मतलब इसमें जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़्यादा वैरायटी होती है, जो चीज़ हमने सोची भी नहीं होती इंडिया में। इंडिया में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी शॉप या मैकडॉनल्ड्स वगैरह इन सब में हमारा इमेजिनेशन होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगे, लेकिन जापान में बहुत ही अलग तरह की वैरायटी की पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट है, उनको एक फोटोग्राफर के अंडर जॉब मिली, वो 3 महीने उन्होंने जॉब करा तो उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा कि अब वो अपना पूरा करियर इसमें बनाना चाहते हैं। जैसे कि उनको ट्रैवल करने को मिला, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ये सब। तो अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं, जैसे इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव जॉब्स को बच्चे ले सकते हैं, जिससे आपको जापानीज लैंग्वेज भी बहुत ही तेजी से सीखने को मिलती है, कस्टमर इंटरेक्शन भी होती है, ऐसे भी क्लाइंट्स बन जाते हैं जो कि सारी ज़िंदगी आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं पेक्यूलियरली वैरायटी बोलूँ काम करने की, जैसे कि कॉफ़ी शॉप्स में जैसे एक वर्ड है रेजी, रेजी का मतलब होता है कैश काउंटर, या कॉफ़ी सर्व करना, या फिर रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, उनमें सर्व करना, और भी अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ जॉब्स आर देयर। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, पहले इनको सीखना बड़ा ज़रूरी है, हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे आप नोट भी कर सकते हैं, टेन इन, टेन इन का मतलब होता है शॉपकीपर। इसमें सभी लोग जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो तेनिन में आ जाते हैं। जो शॉप हेड होता है उसको बोलते हैं तेनचो। जैसे भी मैंने आपको बताया रेजी, रेजी का मतलब होता है कैश काउंटर। जीक्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है आवरली वेज। जी का मतलब होता है घंटा, और क्यू का मतलब होता है क्यूरियो, यानी कि सैलरी। तो आवरली सैलरी के हिसाब से मिलता है, आप 3 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, 1 घंटा करते हैं, उसके हिसाब से आपको येन्स में सैलरी मिलती है, आपका एक कार्ड बन जाता है, उस कार्ड पंच हो जाता है। तो इसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स भी होती हैं, आप किसी दिन 2 घंटा करना चाहते हैं, किसी दिन 5 घंटा करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स भी होती हैं। कोत्सुही, कोत्सुही भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस। कोत्सु का मतलब होता है ट्रैवल, ट्रैवल मतलब वैसे तो ट्रांसपोर्ट होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रैवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि अगर आपको अपने हॉस्टल से ट्रेन पकड़ के या फिर बस पकड़ के अपने शॉप तक जाना है, तो कोत्सु ही का मतलब होता है एक्सपेंस, तो ट्रैवल एक्सपेंस भी मिलता है जॉब्स में। शिगोतो नो नाइयो, इस तरह से अलग अलग वर्ड्स को आप पहले सीख के जाएंगे। जैसे अब मैंने आपको जिको शोपाई सिखाया था, तो इस तरह से आप वर्ड्स को सीख के जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे इस टाइम हम देख रहे हैं गेम सेंटर, गेम सेंटर्स के अंदर भी जॉब्स होती हैं, जैसे कि आपको डेटा नोट करना है कि कौन पर्सन कहाँ पर है, मतलब वो तो कंप्यूटर यूज़ करता है लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए। तो इस तरह की बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाली जॉब्स होती हैं जापान में। अब हम बात करते हैं कि सेविंग्स किस तरह से करते हैं। देखिए, सेविंग्स जो है ना, ये हमेशा हम बहुत ज़्यादा अगर फोकस करें सेविंग्स, तो सेविंग के पीछे ही स्टूडेंट्स पड़ जाते हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, मैंने पहले भी वीडियोस में सिखाया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल ऑन एन एवरेज जीक्यू, जो मैंने भी आपको सिखाया था, आवरली वेज, वो 950, 1000, या फिर 920, 940, 900 से 1000 के बीच में रहता है। और अगर आप ऑन एन एवरेज जो लीगल वे होता है 7 दिन में 28 घंटे काम करने का, तो उसके हिसाब से अगर आप करते तो 1 महीने में आप 12 मान के आसपास या 11 मान से 12 मान के बीच में आप सेव कर सकते हैं। तो ये थी सेविंग, मतलब टोटल अर्निंग, जिसको रिवेन्यू कह सकते हैं, और जो आपके एक्सपेंस हैं इसमें से काट लें, जैसे कि अगर आपका 30,000 रेंट, या फिर 30,000, 40,000 खाने का खर्चा, और ट्रैवल का भी थोड़ा बहुत मिला के, तो 80-90 हज़ार येन आप इसके अंदर से डिडक्ट कर लें, तो बचे सिर्फ 20,000 या 10,000 या 30,000 येन। तो बहुत ही कम सेविंग है, लेकिन इसको भी एक अपनी पॉकेट मनी के तौर पे मान के, या फिर अपनी सेविंग जो आप घर भी ले जा सकते हैं ये भी मान के आप चल सकते हैं। कुल मिला के पार्ट टाइम जॉब करना एक काफ़ी बेनिफिशियल, और एक काफ़ी लर्निंग के प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीका है। आई होप आप, मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले इंटरव्यू अगले वीडियो में आपको इंटरव्यू के बारे में भी सिखाऊंगा, इंटरव्यू पार्ट टाइम जॉब की कैसे ले सकते हैं. प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल निहोंगोमैक्स.